Hello dear student, I am teacher of class 1st. Today I am going to teach you EVS part 15 chapter 1st. हम chapter को read कर चुके हैं, exercise solve कर रहे थे जिसमें हमने tick the correct और 5 sense organs read किए थे, है ना। अब आता है question number C, write 3 functions of, आपको 3 functions लिखने हैं, 3 काम लिखने हैं, किसके, hands के और legs के। hand क्या करता है, hand क्या क्या करता है, हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, learn हो रहा है तो chapter को translate करते समय, hand से हम क्या क्या कर सकते हैं, eating यानी कि खा सकते हैं, writing लिख सकते हैं, कैरिंग ले जा सकते हैं और ला सकते हैं, चीज़ों को पकड़ कर ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। लेग, लेग का क्या वर्क होता है, लेग से क्या फंक्शन कर सकते हैं, हम वॉकिंग चल सकते हैं, रनिंग दौड़ सकते हैं, किकिंग लात मार सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये हमने 3 फंक्शंस कर लिए। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट चूज करके यहाँ फिल करना है। डैश हेल्प अस टू सी, सी मीन्स देखना, ये हमारी मदद करता है देखने में, किससे देख पाते हैं, किससे हम देख सकते हैं, आई से या ईयर से, आई से या ईयर से, आई से, क्या भरेंगे या फिल क्या करेंगे, आईज, क्या फिल करेंगे या आईज। वी कैन डैश म्यूजिक विथ आवर ईयर्स, हम क्या कर सकते हैं, म्यूजिक को अपने कानों से क्या कर सकते हैं, अपने कानों से हेयर कर सकते हैं, मीन्स सुन सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, हेयर कर पाएंगे, तो क्या आएगा, हेयर मीन्स सुन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, यू कैन टेस्ट, आप टेस्ट कर सकते हो, स्वाद ले सकते हो आइसक्रीम का, विथ योर, किससे, अपनी नाक, नाक से, नोज, नोज से आप स्वाद ले सकते हैं, या टंग, जीभ से, किससे आएगा, टंग, राइट आंसर इज टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग। नेक्स्ट, यू कैन, यू आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विथ योर फिंगर, आप अपनी फिंगर से क्या कर सकते हैं, दैट द कप इज़ हॉट, आप अपने मतलब कप आपका गर्म है, ये आप अपने फिंगर से कैसे क्या कर सकते हो, सी कर सकते हो अपने फिंगर से या फील कर सकते हो, फिंगर से सी कर सकते हैं हम, देख सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं, राइट आंसर इज़ फील। इस तरीके से आज हमने 2 क्वेश्चन फिर से सॉल्व किए, एक तो नेम द 3 फंक्शंस और फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट पार्ट में हम जो भी आता है, मैचिंग आए, ये भी आए, वो हमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।